the real it means to live life golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. Guys, welcome back to my video again. स्वागत है फिर से आपका मेरी वीडियो में. हम देखने वाले हैं आज BTC का और इथेरियम का चार्ट. लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और हिंदी लैंग्वेज बोलते हैं, समझते हैं, एशिया से बिलोंग करते हैं, तो डेफिनेटली आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए. साथ ही साथ अगर आप क्रिप्टो मार्केट में हैं या आना चाहते हैं या लर्निंग करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको डेफिनेटली ये चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको फ्री कॉन्टेंट मिलता है, फ्री लर्निंग मिलती है, चार्ट अपडेट मिलती है, कैसे आप पैसे कमा सकते हैं, कैसे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. हालांकि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, लेकिन फिर भी हाँ, टेक्निकल की वजह से कुछ लेवल्स मैं आपको बता सकता हूँ. अगेन, आपका रिस्क एंड आपका रिवॉर्ड, ठीक है. उससे पहले अगर आप टेलीग्राम पर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो कॉमेंट बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक है, जाइए वहाँ पर जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सिर्फ आपके फ़ायदे की वहाँ पर बात होती है और फ्री आपको कॉल्स मिलती हैं. तो सीधा हम चलते हैं चार्ट की तरफ. लेकिन उससे पहले मैं आपसे विनती करता हूँ कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए. और टेलीग्राम का मैं एक आपको झलक दिखाना चाहता हूँ कि मैं क्यों चाहता हूँ कि आप टेलीग्राम पर मेरे साथ ज्वाइन करें, ठीक है. सीधा मैं आपको टेलीग्राम दिखाने वाला हूँ. देखिए, ये मेरा कुछ सेटअप है, ठीक है, और कोशिश करूँगा कि मैं आपको सब चीज़ ढंग से दिखा पाऊँ. देखिए, सबसे पहले हम उसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं. यहाँ पर मैं आपको कुछ टेलीग्राम पर दिखाने वाला हूँ, ठीक है. देखिए, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ मैं, ठीक है. इसका जो लिंक है आपको डेफिनेटली आपको कमेंट बॉक्स में हमारे मिल जाएगा. यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर चार्ट शेयरिंग होती रहती है, ठीक है. चार्ट की शेयरिंग, BTC के अपडेट, इथेरियम के अपडेट, और यहाँ पर फ्री अपडेट, यहाँ पर कॉल्स के बारे में मैं बताता रहता हूँ. देख सकते हैं आप, ये सारा आप जितना भी देखेंगे, ये सब जितने भी आप चार्ट देख रहे हैं, ये डेफिनेटली सारे ऑन टेलीग्राम पर है, ठीक है. तो इसलिए आपको ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मार्केट की अपडेट मिलती रहती है. अगर आप लर्निंग भी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको ज्वाइन करना चाहिए. अब सीधा हम चलते हैं चार्ट की तरफ, ठीक है. हमारा BTC का चार्ट है अब आपके सामने डिस्प्ले पे. देखिए, सबसे पहले क्या हो रहा है, करंट प्राइस देखिए BTC का. आप करंट प्राइस हमारा ये है 50,300-400 के करीब हमारा करंट प्राइस है. मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था और टेलीग्राम पे भी आपको अपडेट किया था कि हमारा जो रेजिस्टेंट है वो हमें कहीं इस लेवल पर हमें देखने के लिए मिल रहा है, जो कि अभी भी कंटिन्यू है. ये आप लेवल देखें ना, ये वाला लेवल जो दिखाएंगे अभी आपको दिखाने की कोशिश करूँ, ये 50,000 और 50,000 से लेके 51,700 से लेके 50,700 के हमारे बीच में बहुत ही, ये आप कह लीजिए कि काफ़ी हार्ड रेजिस्टेंट है अभी मार्केट में, ठीक है. यहाँ पर आप देखेंगे तो प्राइस बार बार स्ट्राइक करता है. फॉर एग्जांपल, प्राइस यहाँ पर स्ट्राइक करा, फिर डाउन आ गया. प्राइस यहाँ पर स्ट्राइक किया, फिर डाउन आ गया. प्राइस यहाँ पर स्ट्राइक किया, फिर डाउन आ गया. प्राइस यहाँ पर स्ट्राइक किया, अब प्राइस नीचे आ रहा है, ठीक है. यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर फॉर्मेशन बनी है, यहाँ पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर आप अगर देख पा रहे हो. देखिए, मैं अभी जरा कैमरा थोड़ा सा ब्लर कर रहा होगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ जितना मैं जस्टिस कर पाऊँ कैमरे के साथ. मैं ये वीडियो इसलिए शूट कर रहा हूँ फ़ोन से, क्योंकि हमारे जो डेस्कटॉप में जो माइक कनेक्ट होता है उसमें कुछ ग्लिचेस आते हैं, कुछ साउंड की प्रॉब्लम आती है. तो इसमें इसलिए, क्योंकि आप अगर लेवल देख भी ना पाएँ तो डेफिनेटली आप लेवल सुन तो पाएँ जो मैं आपको लेवल बता रहा हूँ. देखिए, ये वो लेवल है, ठीक है. अब मार्केट में क्या हो सकता है, मैं आपको सीधे दिखाऊंगा. यहाँ से देखिए, यहाँ से उम्मीद थी कि यहाँ से प्राइस ब्रेकआउट करे और यहाँ से रैली ऊपर ले, ठीक है. मेरे को क्या लगता है, मेरे को पहली बात तो थोड़ा सा, मेरे को अभी मार्केट में मैं थोड़ा सा, आप कह लीजिए अभी थोड़ा साइड में हूँ. मैं अभी ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ. क्यों, एक रीज़न है, क्योंकि मार्च में आप जब भी देखेंगे ना, आप, मैं आपको मंथ का चार्ट दिखाता हूँ. चलो देखिए, मैं आपको हमेशा मार्च का रिकॉर्ड दिखाता हूँ, ठीक है. ये चूज कर लेते हैं हम. देखिए, मैं आपको 1 मंथ का चार्ट है, ठीक है. यहाँ पर मार्च है, अब चल रही है, ठीक है. देखिए, यहाँ पे डेट देखिए आप, 1st of March 2020, कैंडल इज रेड, ठीक है. और आगे भी पीछे दिखाता हूँ मैं, 2019 दिखाता हूँ आपको मैं, ठीक है, 2019. आप देखेंगे यहाँ पर मार्च आएगा अभी, ये देखिए, यहाँ पे आप देखिए कितनी छोटी कैंडल बनी हुई है, ग्रीन कैंडल है हालांकि, और मुझे लगता है कि सिर्फ ये ही एक ग्रीन कैंडल हमें मार्च में मिली है. उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये देखिए यहाँ पे कितनी रेड कैंडल. तो कहने का मतलब ये है कि हमें ज़्यादातर मार्केट में मार्च के मंथ में जो है, हमें ज़्यादातर मार्केट में
रेड कैंडल देखने के लिए मिलती है। ठीक है, अब मैं करंट प्राइस पे जाना चाहूँगा क्योंकि मैंने अपडेट आपको सिर्फ BTC की देने के लिए वीडियो बनाई है। ठीक है, हालांकि इसमें मैं इथेरियम कवर हो सके तो कर दूंगा मैं, लेकिन जिस हिसाब से मैं कवर कर रहा हूँ, मेरे को लगता है कि इथेरियम शायद ही हमारा कवर हो पाए। देखिए, मेरे को क्या लगता है, ये जो लेवल आप देख रहे हैं ना, ये वाला लेवल 43,000, 43,500, 46,400, 47,000, 48,600, ये मेरे को लेवल लगता है। देखिए, मुझे यहाँ से लगता है कि यहाँ से मार्केट पहले तो इस लेवल को, देखिए इस लेवल को पहली बात तो ब्रेकआउट नहीं कर पाई। अगर इस लेवल से ऊपर आ जाती है, 51,700 से ऊपर आ जाती है, ये जो लेवल है हमारा, इसको मैं मार्क कर देता हूँ, ये लेवल 51,700 से मार्केट अगर ऊपर आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस फेस करने के मिला है, अगर इससे ऊपर आ जाती है तो डेफिनेटली ये अभी भी वैलिड है पैटर्न। ये अगर ये पैटर्न देखेंगे ना आप, ये अभी भी वैलिड है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, क्योंकि ये इनवैलिड तभी होगा जब प्राइस इस लेवल से नीचे आ जाए, इस लेवल को दोबारा से टच कर दे। अभी आप ये देखेंगे, अभी ये पैटर्न वैलिड है। ठीक है, अगर 51,000 से ऊपर मिल जाता मार्केट में प्राइस हमें, तो डेफिनेटली मैं बुलिश हो जाऊंगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरे हिसाब से यहाँ पर आप अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर पैटर्न देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर हमें कुछ सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल हमारा कहीं ना कहीं मार्केट में मिल रहा है। ये देखिए, ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना हुआ है, और सिमेट्रिकल ट्रायंगल के बारे में आपको नहीं पता तो ये इंडिसीजन है मार्केट में, ये ब्रेकआउट इसलिए डिपेंड करता है, ये ब्रेकआउट करे या ब्रेकडाउन करे। देखिए, ब्रेकआउट इसका डेफिनेटली होगा इस लेवल पर 51,700 पर। ठीक है, और ब्रेकडाउन होगा हमारा 48,692, यानी 48,700 पे हमारा इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। अगर यहाँ से ब्रेकडाउन हो जाता प्राइस, तो मेरा पहला टारगेट होगा 46,447, एंड जो हमारा सेकंड टारगेट होगा वो होगा 43,560। ठीक है, और मैं क्या चाहता हूँ, देखिए मैं क्या उम्मीद रख रहा हूँ, अगर ये लेवल भी ब्रेकआउट हो जाता है तो मेरी जो बाइंग होगी, पहला लेवल बाइंग का ये होगा, और जो हमारा मेन बाइंग का जो लेवल होगा हमारा, ये वाला हमारा मेन बाइंग का लेवल होगा, ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये वाला जो लेवल है हमारा, इस पे मैं काफ़ी अच्छा बाय करने वाला हूँ। फिलहाल अगर मार्केट इससे ऊपर चली जाए तो मुझे लगता है 51,000 से ऊपर चली जाए तो शायद बुलिश है। ठीक है, बुलिश हो जाएगी, ये पैटर्न प्ले आउट होने लग जाएगा। और अगर इससे नीचे आ जाए, 48,600 से नीचे आ जाए, 700 से नीचे आ जाए, तो पहली बाइंग मैं यहाँ पे करूँगा। ठीक है, बाय नंबर वन मैं यहाँ पे करने वाला हूँ और बाय टू यहाँ पे करने वाला हूँ। ठीक है, और मेरे को क्या लगता है कि ये जो है, ये जो सपोर्ट है, ये काफ़ी अच्छे मार्केट में प्ले आउट होने वाला है, ये वाला, क्योंकि हमारा फिबोनाकी में ये 0.5 लेवल है फिबोनाकी में। ठीक है, 0.5 का लेवल ये फिबोनाकी में है, एज वेल एज यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारा मूविंग एवरेज भी पड़ रहा है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ मूविंग एवरेज कैसे पड़ रहा है। ये देखिए, ग्रीन अगर आप 100 का EMA देखें, ये 100 का EMA है, ये भी हमारा इसी लेवल पर पड़ रहा है। तो मार्केट अगर डाउन आती है तो 43,500 पर आप अपनी एक बाइंग लगा के रखें। 43,500 पे मैं चाहता हूँ कि आप अपनी बाइंग लगा के रखें। अगेन, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ठीक है, ये मेरी पर्सनल रिसर्च के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो 43,600 पर ये मेरी एक बाइंग होगी, जो यहाँ पर मैं अच्छी क्वांटिटी में बाय करने वाला हूँ। तो डेफिनेटली आप समझ गए होंगे, ये एक ये कुछ लेवल है। ठीक है, ये वाले लेवल है, इससे ऊपर आता है प्राइस तो डेफिनेटली बुलिश हूँ मैं। ठीक है, प्राइस अगर इस लेवल से नीचे गिरता है, तो डेफिनेटली मैं इसमें बियरिश हो जाऊंगा, और मेरी बाइंग फर्स्ट यहाँ पे होगी, सेकंड यहाँ पर होगी। ठीक है गाइस, तो ये है हमारी BTC की अपडेट। ठीक है, अब जो अगली वीडियो लाने वाला हूँ, मैं इथेरियम के ऊपर लाने वाला हूँ। लेकिन अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो डेफिनेटली आपको चैनल सब्सक्राइब कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसी अपडेट आपको आगे भी मार्केट में मिलेंगी। तो इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ विदा, मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहिए और ट्रेडिंग करते रहिए, पैसे बनाते रहिए। धन्यवाद।